हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को रेलवे एग्ज़ाम क्विक 2.0 में। दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह समाचार पत्र वर्ष, स्थान और उसके संपादक से रिलेटेड है, जो कि आने वाले बिहार एसएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, बंगाल गजट का जो प्रकाशन है किस वर्ष किया गया, तो 1780 में किया गया, और किस स्थान पे किया गया, तो कोलकाता में किया गया, और इसके संपादक थे जेके हिक्की, यानी जेम्स ए हिक्की। और इसके बाद से नेक्स्ट में है मीरात उल अखबार का वर्ष जो है कब, तो 1822 है, और इसका भी स्थान कलकत्ता है, और संपादक राजा राम मोहन राय हैं। इसके बाद से नेक्स्ट में दोस्तों उदंत मार्तंड। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है 1826 में इसका, और स्थान इसका हो गया कलकत्ता, और जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्त गोपतार 1851 बम्बई, स्थान इसका हो गया बम्बई, वर्ष हो गया 1851, और संपादक हो गए दादा भाई नौरोजी। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पैट्रियट, यानी इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1853 में किया गया, स्थान कोलकाता था, और संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाश, यानी सोम प्रकाश का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1859 है, स्थान कलकत्ता है, और संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, यानी द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों ने मिल करके 1859 में कलकत्ता में सोम प्रकाश का संपादन किया। इसके बाद से नेक्स्ट है इंडियन मिरर, इसका संपादन वर्ष जो है 1861 है, स्थान कोलकाता है, और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है इसका संपादन 1868 में, स्थान कोलकाता, और शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका संपादन किया गया। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है बंग दर्शन, यानी बंग दर्शन समाचार पत्र का जो प्रकाशन वर्ष है 1873 है, स्थान इसका कोलकाता है, और संपादन यानी जो संपादक थे वह बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है दी हिंदू, दी हिंदू का जो प्रकाशन वर्ष है जो 1878 है, स्थान मद्रास है, और संपादक बी राघवचारी, यानी संपादक बी राघवचारी हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों केसरी का संपादन किस वर्ष किया गया, तो 1881, स्थान बम्बई, और संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, केसरी का जो प्रकाशन है किस वर्ष किया गया, तो 1881 में, स्थान इसका बम्बई, और संपादक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन ओपिनियन, यानी इंडियन ओपिनियन जो है किस वर्ष प्रकाशित किया गया, तो 1903 में, स्थान इसका है दक्षिण अफ्रीका, और महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द लीडर, 1918 में द लीडर समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, स्थान इलाहाबाद था, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजीवन, नवजीवन समाचार पत्र का जो प्रकाशन है 1919 में किया गया, अहमदाबाद स्थान था, और महात्मा गांधी के द्वारा। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि नवजीवन जो पत्रिका है
समाचार पत्र है जो दोस्तों यह 1919 में प्रकाशित किया गया। अहमदाबाद मिल आंदोलन वहाँ पे हुआ, मजदूर आंदोलन, जो महात्मा गांधी उसके मेन अगुआ थे। और यंग इंडिया, यंग इंडिया भी 1919 में ही प्रकाशित किया जाता है, इसका भी स्थान अहमदाबाद ही है और इसके संपादक जो है महात्मा गांधी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स जो है 1924 में प्रकाशित किया जाता है, इसका स्थान बम्बई है और इसके जो संपादक हैं के एम पर्रिकर हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन देखा हिंदू पैट्रियट, यानी हिंदू पैट्रियट जो है 1853 में प्रकाशित किया गया, कलकत्ता में किया गया और गिरीश चंद्र घोष थे। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन डालने वाला यह क्वेश्चन है, कहीं कहीं क्वेश्चन दी हिंदू करके आ जाता है, वहाँ पे गलत टिक हम लोग मार के चले आते हैं, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। दी हिंदू का प्रकाशन जो है 1878 में किया गया, मद्रास में किया गया और इसके संपादक जो थे बी राघवचारी थे। जबकि अगर पूछा जाता है कि हिंदू पैट्रियट जो है किस वर्ष प्रकाशित किया गया, तो 1853 में प्रकाशित किया गया, स्थान इसका कलकत्ता है और इसके गिरीश चंद्र घोष संपादक हैं। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जो समाचार पत्र से रिलेटेड था और आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।